हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद खान। मैं हूँ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट ढाका बांग्लादेश में। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि ढाका मतलब कि जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज कैसा है, वहाँ से क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है उसके बारे में। तो ये एक सीरीज चलेगा, ठीक है, हर एक मेडिकल कॉलेज। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप किस कॉलेज के बारे में चाहिए, तो हम उस कॉलेज तक ट्राई करेंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने शेयर करने का। और उस इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से कलेक्टेड, क्योंकि मेरा एक लास्ट यूट्यूब चैनल था उसमें हमने कलेक्ट करके बनाया था, ड्यू टू स्टडी हमने वो चैनल बंद कर दिया था, फिर से ये है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से था उसको, तो अभी हम जहरुल इस्लाम का मेरे पास था तो उसको हम अपडेट आपके सामने दे रहे हैं। आप लोग तो और कोई भी कॉलेज का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखते रहिए। हमने वहाँ के स्टूडेंट से पूछा था, हाउ मेनी इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग डियर इन ईच बैच, एक बैच में कितने इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं आपके कॉलेज में। तो उनका रिप्लाई था 20-25% स्टूडेंट इंडियन रहते हैं। 100 में समझिए 20 स्टूडेंट इंडियन, मतलब फॉरनर, इंडियन फॉरनर मतलब इंडियन भी हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं, भूटान से भी हो सकते हैं, या कोई भी कंट्री से फॉरनर। 20 हर बैच में 100 एग्जांपल 100 सीट है तो वहाँ पर 20 स्टूडेंट फॉरनर को वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो उनका पहला था कि 20-25% स्टूडेंट 100 मतलब उनके कॉलेज में हर बैच में पढ़ते हैं। मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी बैचेज ऑफ फॉरनर हैव बीन पास्ड फ्रॉम हियर, आपके कॉलेज से कितने फॉरनर्स स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। उनका कहना था अभी तक के 24 बैचेज फॉरनर स्टूडेंट पास हो गए, मतलब कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। 24 बैचेज समझे, एक बैच में 20 स्टूडेंट हैं, बहुत सारों बैच पास होने से है वहाँ का रिकॉर्ड, तो मतलब अप्रॉक्स 300 स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं वहाँ से। मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मच फार फ्रॉम एयरपोर्ट, आपका कॉलेज मतलब एयरपोर्ट से कितना दूर है। उन्होंने कहा 180 किलोमीटर है और अप्रॉक्स 3.5 आवर लगता है जाने में। देखिए एयरपोर्ट से कितना दूर है वो आपको शायद मैटर ना करे, बिकॉज आप कॉलेज कैसा होना चाहिए अपना मेन मैटर है। कहाँ सर, मेरा नॉलेज जहरुल इस्लाम एक अच्छा ही कॉलेज है, वहाँ पर कैंपस बड़ा है। ढाका सिटी में कैंपस ज़्यादा नहीं मिलता है, वहाँ कैंपस है और वहाँ पर हर स्टूडेंट का होता भी नहीं है, मेन बात है। वहाँ आप तो एटलीस्ट 10 CGPA या 9 CGPA वालों को, मतलब 10 और 12 मतलब यहाँ टोटल CGPA करते हैं तब जाते होता है, तो उस हिसाब से वालों का होता है, मतलब 80s 90s प्लस वालों का उस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो ये मैटर है आपका कि आज कॉलेज से दूर है, क्योंकि हाँ एक है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेन सिटी में हो, लेकिन पढ़ाए आप तो रहने आए हैं, मेन सिटी भी सही है आप तो, हाँ क्योंकि आप तो एक इन्जॉयमेंट घूमना फिरना भी है आपकी रिक्वायरमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं खाली घूमने फिरने का, जैसे रसिया यूक्रेन में का लाइफ अलग ही है। तो ये ढाका सिटी से हाँ उनका 180 किलोमीटर है, 3.5 आवर लगता है जाने में। हाँ फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे हुआ कि आपके कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं। तो उनका आंसर था टीचर और स्टूडेंट का जैसा मेंटेन होना चाहिए वही टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है वहाँ पर। ऐसे नहीं है कि आप फ्रेंड बन जाते, यदि फ्रेंड बने तो आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करिएगा। तो वो टीचर है तो आप टीचर का तो रिस्पेक्ट करना ही है, तो वो टीचर और फ्रेंड मतलब टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और जो आप पढ़ाई तो आप बेस्ट देते ही हैं उनका कहना। और उसके बाद ये है कि हमने ये पूछा था आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, बोले जो वो नॉट टू फ्रेंडली नॉट टू बैड, बट मैं ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना क्या, आप अपना फीस टाइम पर भर रहे हैं तो वो अपना मैंने पढ़ाई, टीचर्स वहाँ से कैसे हैं, तो टीचर फ्रेंड अच्छे हैं पढ़ा रहे हैं तो वो अपना मैटर करता है। बस मेरा एक क्वेश्चन था, हमने इस बात पूछ लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका कैसा है तो ये सब, तो लेकिन आप लोग टीचर्स से मैटर करना चाहिए, टीचर वहाँ से आपके अच्छे हैं तो ये मेन बात है। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आपके कॉलेज से MCI पासिंग रेट कितना है। जैसे कि आप इंडियन स्टूडेंट हैं तो आप MCI तो पास करना ही है बांग्लादेश से पास आउट करने के बाद, तो वहाँ से उनका रिप्लाई आया कि 90% पासिंग रेट है, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं ना 90% उसमें से पास आउट किए हैं। देखिए 90% एक अच्छा पासिंग रेट है, वो भी 10% ऑलमोस्ट हो ही जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट में निकल जाता है। फिर मेरा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेरा उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके कॉलेज में
फॉरनर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनका कहना था कि गुड कॉलेज, कॉलेज अच्छा है बट सिटी से दूर है, बट इफ़ स्टूडेंट का मेन मोटिव है पढ़ाई करना, एक अच्छा डॉक्टर बना है तो हमारे कॉलेज में ले सकते हैं, बट उनको एक फन लाइफ भी जीना है और पढ़ाई भी करना, दोनों एक साथ में नहीं करना है तो सिटी वाले कोई कॉलेज में, घाटा सिटी में जो लोटेड है वहाँ एडमिशन ले। तो उसके साथ साथ फिर हमने ये भी पूछा था कि आपके एजेंट क्या क्या बोले थे, वो सब सही था कि क्या क्या फैसिलिटी है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे एजेंट जो बोले थे ऑलमोस्ट सब चीज़ हमें मिला है। उसके बाद हमने और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया था कि आपके हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में कितने एक रूम में रहते हैं और बॉयज़ हॉस्टल। तो उनका कहना था कि गर्ल्स हॉस्टल में 4 लोग रहते हैं एक रूम में और बॉयज़ हॉस्टल में भी, बट गर्ल्स हॉस्टल में आप जो एक फ्रिज पर डेट योर ओन फ्रिज, हाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, और बॉयज़ हॉस्टल में आप फ्रिज अपना नहीं रख सकते हैं इंडिविजुअली, मतलब जी 4 लोग का एक फ्रिज आप नहीं रख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। हाँ, फ़ैन आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है, सीलिंग फ़ैन, हाँ आप चाहे तो एक टेबल फ़ैन या स्टैंडिंग फ़ैन रख सकते हैं, बट एसी आपको ना बॉयज़ हॉस्टल में ना गर्ल्स हॉस्टल में अलाउ है। और एक आता है मेन बात कि आप खाने का मेस कैसा है। तो उन्होंने कहा मेस अच्छा है, कश्मीरी स्टूडेंट के लिए अलग खाना बनता है, नेपालियों के लिए अलग मेस है और बंगाली स्टूडेंट के लिए अलग मेस है। मतलब कश्मीरी तो जो फूड अच्छा रहता है वो कश्मीरी लोग बनवाते हैं अपना मेस में अलग से, नेपाली लोग का एक अलग मेस है और बंगालियों का एक अलग मेस है, जो नॉर्थ वालों का एक टाइप है ना ऐसे। तो मतलब आपके रीजन हिसाब से खाना का वहाँ फैसिलिटी है उनके। तो ये सब है जहरुल इस्लाम के बारे में। हाँ, ऐसे ही हम सीरीज़ लाते रहेंगे आपको, जैसे बोले थे ये वीडियोस कॉलेज के ऊपर में, इंशाल्लाह हर कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप लोग BMDC ब्लैकलिस्टेड मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, वहाँ BMDC के वेबसाइट में चले जाइएगा, वहाँ पर जाते आप लोग कॉलेज का नाम है, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। हम यहाँ पर एक वीडियो बना भी दिए ना कि BMDC ये कॉलेज पर ब्लैक लिस्टेड, क्या ये कॉलेज अच्छा मतलब कि नॉट ब्लैक लिस्टेड है। तो फिर समझिए 1 साल बाद वो वीडियो में BMDC का अपडेट हुआ, लेकिन वो कॉलेज ब्लैक लिस्टेड नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, और ये सीरीज के हर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक रहेगा, तो वो आप देख के वहाँ से आप डिसाइड करिए कौन कॉलेज अच्छा है। ऐसे ही आपको जो भी कॉलेज के बारे में जानना हो कमेंट में करिए, और क्या क्या वहाँ से क्वेश्चन आपको चाहिए वो भी लिख दीजिए, हम वहाँ से उस स्टूडेंट से पूछते आपको बता पाए। और नेक्स्ट वीडियो से मेरा ट्राई रहेगा कि कॉलेज का कुछ वीडियो फोटोज़ और वहाँ के डिपार्टमेंट का कुछ वीडियो भी इसके साथ डालें। तो नेक्स्ट वीडियो से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ज़्यादा शेयर करिए जी, यहाँ से मेरा सब्सक्राइब बढ़े और वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगे।